हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलायची के औषधीय प्रयोग के बारे में। क्या ये छोटी सी दिखने वाली इलायची अनेक रोगों को दूर करती है, और इलायची खाते समय कौन सी सावधानियां रखें। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, इलायची औषधीय रूप से अति महत्वपूर्ण है। यह दो प्रकार की होती है, छोटी व बड़ी। छोटी इलायची, यह सुगंधित, जठरागिन वर्धक, शीतल, मूत्रल, वातहर, उत्तेजक व पाचक होती है। इसका प्रयोग खांसी, अजीर्ण, अतिसार, बवासीर, पेट दर्द, दमा तथा दाहयुक्त तकलीफों में किया जाता है। तो आइए जानते हैं इलायची के औषधीय प्रयोग यानी फायदों के बारे में। नंबर एक, अधिक केला खाने से हुई बदहजमी एक इलायची खाने से दूर हो जाती है। नंबर दो, धूप में जाते समय तथा यात्रा में जी मचलाने पर एक इलायची मुंह में डालकर चूसें। नंबर तीन, एक कप पानी में 1 ग्राम इलायची चूर्ण डाल के 5 मिनट तक उबालें। इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। 2-2 चम्मच यह पानी 2-2 घंटे के अंतर से लेने से जी मचलाना और उल्टी आदि आने की समस्या दूर होती है। नंबर चार, छिलके सहित छोटी इलायची तथा मिश्री समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। चुटकी भर इस चूर्ण को 2-2 घंटे के अंतर से चूसने से सूखी खांसी में फायदा होता है और कफ पिघल कर बाहर निकल जाता है। नंबर पाँच, रात को भिगोए हुए 2 बादाम सुबह छिलका उतार कर घिस लें। इसमें 1 ग्राम इलायची चूर्ण, 0.5 ग्राम जावित्री चूर्ण, 1 चम्मच मक्खन तथा 0.5 चम्मच मिश्री मिलाकर खाली पेट खाने से वीर्य पुष्ट व गाढ़ा होता है। नंबर 6, 0.5 से 1 ग्राम इलायची चूर्ण का आंवले के रस या चूर्ण के साथ सेवन करने से दाहा, पेशाब और हाथ पैरों की जलन दूर होती है। नंबर 7, 0.5 ग्राम इलायची दाने का चूर्ण और 1 से 2 ग्राम पिपरा मूल चूर्ण को घी के साथ रोजाना सुबह चाटने से हृदय रोग में फायदा होता है। नंबर 8, छिलके सहित एक इलायची को आग में जलाकर राख कर लें। इस राख को शहद मिलाकर चाटने से उल्टी में फायदा होता है। नंबर 9, 1 ग्राम इलायची दाने का चूर्ण दूध के साथ लेने से पेशाब खुलकर आता है एवं मूत्र मार्ग की जलन शांत होती है। इलायची खाते समय ये रखें सावधानियाँ। रात को इलायची ना खाएं, इससे खट्टी डकारें आती हैं। इसका अधिक सेवन से गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है इलायची खाने के फायदे और सावधानियाँ। व्यूअर्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।